बात करते हैं बिहार की, जहां जीतन राम मांझी के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। मांझी की जीप काटने के बयान पर 11 लाख के इनाम का ऐलान करने वाले को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है, तो वहीं विपक्षी दल भी मामले में कूद गए हैं। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोगों को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण पूजा की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको, हम लड़ते दे दीजिए। ये वो बयान है जो बिहार की राजनीति में खेल कर सकता है। इस बयान पर बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने विवादित बयान दे डाला। जवाब में बीजेपी ने गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया, पर गजेंद्र झा को इसका अफसोस नहीं। मैंने बयान पूरे होशोहवास में दिया है, मैं अपने बयान पे अडिग हूँ, अटल हूँ, और मैं अपने बयान पे तब तक अडिग और अटल हूँ जब तक या तो जीतन राम मांझी खुले मंच से सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर माफी ना मांग ले या फिर मेरे शरीर से प्राण न निकल जाए। लेकिन गजेंद्र झा के बयान पर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। गजेंद्र झा जी ने सीधे तौर पे कहा है कि मांझी जी की जबान काट लेंगे वो, क्या ये दलितों को अपमानित करने की बातचीत नहीं है? जब जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया, उसके बाद किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी मामले में कूद गई हैं। रोहिणी ने ट्वीट किया, बीजेपी वालों इतना नाटक क्यों, मांझी का साथ भी चाहिए और बयान पर रोना भी है। बिना मांझी के सरकार क्यों नहीं चलाते, स्वाभिमान मर गया क्या भाजपा वालों, हिम्मत है तो बिना मांझी के सरकार चला के दिखाओ। बिहार का राजनीतिक खेल ये है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा NDA में शामिल है, यानी बिहार में बीजेपी की सहयोगी है। इससे पहले भी मांझी RJD नेता तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या NDA में फूट पड़ चुकी है और मांझी पाला बदलने की तैयारी में है। ABP News आपको रखे आगे।